अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आप सबको मेरी तरफ से रमजान बहुत बहुत मुबारक हो फ्रेंड्स। आज 6th रोजा है आज, और मैंने इतने दिनों से अपना व्लॉग भी नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फीवर आ गई थी। तो अभी भी मेरी आवाज़ चेंज है फ्रेंड्स, तो आज मैंने सोचा कि आज व्लॉग क्यों ना बना लूँ मैं। बहुत दिन हो गए थे व्लॉग नहीं बनाया था मैंने। हाँ, अब दोपहर के 3 बज रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं अपना व्लॉग आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं शाम तक जो कुछ भी करूँगी सब कुछ वीडियो शूट करूँगी फ्रेंड्स। वैसे मैं संडे को रामनगर जाने वाली थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं रामनगर भी नहीं जा पाई। तो आज मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स। इंशाल्लाह संडे तक रामनगर चली जाऊंगी। अब थोड़ा फीवर भी कम है और आवाज थोड़ी सी अभी भी बैठी हुई है फ्रेंड्स। वैसे आज मैं इफ्तार के लिए बिरयानी बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, अम्मी के साथ थोड़ा मैं भी हेल्प करूंगी। तो इंशाल्लाह वीडियो शूट करूंगी आप सबके साथ। तो चलिए चलते हैं किचन में। अब यहाँ पर जल्दी से बिरयानी बना रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर अखनी बनकर रेडी हो गई है और एक तरफ चावल भी बन रहे हैं यहाँ पर। अखनी में देखिए कितनी अच्छी तरीके से ऑयल निकल कर आया है, देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। और चावल भी अब यहाँ पर रेडी हो रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें मैंने कलर नहीं ऐड किया है, थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें। वैसे फैमिली व्लॉग्स अपलोड करके शायद 14 से 15 दिन हो गए हैं फ्रेंड्स। आज मैं अपलोड कर रही हूँ यहाँ पर क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। अब मैं यहाँ पर चावल और मसाले दोनों को मिक्स कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स 2 लेयर्स या फिर 3 लेयर्स मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 2-3 लेयर्स ऐड कर दिया है और ऊपर से थोड़ा सा केसरी येलो कलर ऐड करूँगी फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से कलर ऐड करने से बिरयानी का कलर बहुत अच्छे से आएगा। और ऊपर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी भी ऐड करूँगी फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए देसी घी डालने से बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेल्टेड जो देसी घी होता है वो ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर इफ्तारी का भी टाइम हो गया है फ्रेंड्स। अम्मी यहाँ पर वाटरमेलन को कट कर रहे हैं फ्रेंड्स। बहुत टाइम हो गया है तो जल्दी से यहाँ पर सारे चीज़ें यहाँ पर रखते हैं फ्रेंड्स। चलिए, वैसे मेरे हस्बैंड भी आए हैं आज, तो मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड यहाँ पर खजूर लेकर आए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि रमज़ान है ना तो सबको देने के लिए लेकर आए हैं। ये जो कीमिया के जो खजूर होते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी होते हैं माशाल्लाह से, सच में बहुत ही अच्छे होते हैं फ्रेंड्स। देखिए आप चाहे तो इसे यूज़ करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे खजूर हैं।
अब इफ्तारी का भी टाइम हो गया है, तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से चलते हैं यहाँ पर इफ्तारी करने के लिए। ये जो खजूर का बॉक्स है ना, इसके अंदर से एक सिरप की पैकेट भी निकली है। देखिए फ्रेंड्स, ये कीमिया डेट सिरप है फ्रेंड्स। देखिए खजूर को इसमें डिप करके खाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर बैठकर रोज़ा खोल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं तो रोज़ा नहीं हूँ फ्रेंड्स, लेकिन सबके साथ मैं यहाँ पर रोज़ा खोलने बैठ गई हूँ फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ पर 7:15 बज रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए हम सब मिलकर यहाँ पर रोज़ा खोल रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं ले सकी, इंशाल्लाह अब डेली व्लॉग्स अपलोड करूँगी फ्रेंड्स इंशाल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।